दीर्घ काल तक राज्य करते हुए मनु को जब वृद्धावस्था का आभास मिला तो उनके मन में ग्लानी हुई कि हरि की भक्ति बिना जीवन अकारथ बीत गया। अतः स्वेच्छा से पुत्र को राजकाज सौंपकर पत्नी शत्रुपा के साथ उन्होंने वन की राह ली। वर्षों के तीर्थाटन तथा हजारों वर्षों की कठोर तपस्या के बाद दंपति को प्रभु के साक्षात दर्शन प्राप्त हुए। ऐसा अद्भुत और अनुपम रूप मनु दंपति की आंखें जैसे आघाती न थीं। दंपति की भक्ति, समर्पण तथा कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर प्रभु ने उन्हें मनचाहा वर मांगने को कहा, लेकिन उनके साक्षात दर्शन से ही मनु शत्रुपा की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई थीं। अतः मांगने को रहा क्या था। फिर भी मन में एक लालसा थी जिसका पूरा होना सहज भी था और कठिन भी, अतः उसे प्रकट करने में उन्हें संकोच हो रहा था। जब प्रभु ने बार बार उन्हें निसंकोच हो मनचाहा वर मांग लेने को कहा तो मनु बोले, हे नाथ, मेरी सच्ची साध है कि मुझे आपके समान ही पुत्र प्राप्त हो। मनु की प्रीति देख करुणा निधान बोले, ऐसा ही होगा, किंतु हे राजन, अब मैं अपने समान दूसरा कहां खोजूंगा, अतः स्वयं आकर ही आपका पुत्र बनूंगा। इसी प्रकार शत्रुपा को भी उनका मनचाहा वरदान प्राप्त हुआ। बोले कृपा निधान अति प्रसन्न मोहि जान, मागहु बर जोइ भाव मन, महादानी अनुमान। सुनि प्रभु बचन जोरि जुग पानी, धरि धीरजु बोले मृदु बानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। एक लाल सा बड़ी उर्माही, सुगम अगम कही जाती सुनाही। तुम ही देत अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाई। जथा दरिद्र बेबुध तरु पाए, बहु संपत्ति मागत सकुचाई। तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। सो तुम जानहु अंतर जामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाई मागु नृप मोहि, मोरे नहीं अदेय कछु तोहि। दानि सिरो मनि कृपा निधि, नाथ कहूं सति भाव। चाहूं तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुरा। देखे प्रीति सुनी बचन अमूले, एवमस्तु करुणा निधि बोले। आपु सरिस खोजौं कह जाई,
नृप तव तनय होव मैं आई। सतरूप ही बिलो की कर जोरे देवी माँ गुबरु जो रुचि तोरी। जो बरुनाथ चतुर नृप मागा सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। प्रभु परंतु सुठी होती ढिठाई यद्यपि भगत हित तुम ही सुहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी ब्रह्म सकल उर अंतर जामी। अस समुझत मन संशय होई कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तव आही जो सुख पावही जो गति लही। सोई सुख सोई गति सोई भगत सोई निज चरण सने हो। सोई विवेक सोई रहनी प्रभु हम ही कृपा करी दे हो। सुनि मृदु गूढ़ रुचिर वर रचना कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही मैं सुदीन सब संशय नाही। मातु विवेक अलौकिक तोरे कबहू न मिटी ही अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कहे उबहोरी अवर एक बिनती प्रभु मोरी। विषयिक तव पद रति हो मोहि बड़ मूढ़ कहे किन को। मनि बिनु पनि जिमि जल बिनु मीना मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। अस बरु मागी चरण गहि रहेउ एव मस्तु करुणानिधि कहेउ। अब तुम मम अनुशासन मानी बसहु जाई सुरपति रज धानी। श्री राम अवतार की कई कथाओं में एक कथा आदि पुरुष मनु तथा उनकी पत्नी शत्रुपा से संबंधित है जिन्हें प्रभु ने एक अद्भुत वरदान दिया था। हजारों वर्षों की कठोर तपस्या के फलस्वरूप मनु को भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। भक्त ने भगवान से अपनी मनोकामना प्रकट करते हुए उनके चरणों में ऐसी प्रीति मांगी जैसी पिता के हृदय में पुत्र के लिए होती है। उन्हें ये वांछित वरदान मिला। वर देते हुए श्री हरि ने कहा, स्वर्ग के बहुत से सुख भोग कर कुछ काल बीत जाने पर आप अवध के राजा होंगे और तब मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। एक अन्य कथा राजा प्रताप भानु की है। उसके दो पुत्र हुए प्रताप भानु और अरिमर्दन।
राजा ने ज्येष्ठ पुत्र प्रताप भानु को राज्य सौंपकर भगवत भजन के लिए वन की राह ली। कहाँ करी भोग विसार, तात गए कछु काल पुनि, होइ हहु अवध भुआर, तब मैं होब तुम्हार सुत। इच्छामय नरवेश समारे, होई हूँ प्रगट निकेत तुम्हारे। अनसन सहित देह धरी ताता, करी हूँ चरित भगत सुखदाता। जे सुनि सादर नर बड़ भागी, भव तरि हहि ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सो अवतरि हि मोरि यह माया। पुरउब में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। पुनि पुनि अस कही कृपा निधाना, अंतर ध्यान भये भगवाना। दंपति उर धरी भगत कृपाला, तेही आश्रम निवसे कछु काला। समय पाई तनु तजी अनयासा, जाई कीन अमरावती बासा। यह इतिहास पुनीत अति, उमहि कही पृषके। भरद्वाज सुनु अपर पुनि, राम जन्म करहे तू। सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक के कह देसु, सत्य के तू तहां बसई नरेसु। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रताप शील बलवाना। तेहि के भय जुगल सुत बीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। राजधनी जो देख सुत आही, नाम प्रताप भानु हसताहि। अपर सुतहि अरिमर्दन नामा, बुजबल अतुल अचल संग्रामा। भाई हि भाई हि परम समीति, सकल दोष छल बर जित प्रीति। जेठे सुते राज नृपदीना,
हरि हित आप गवन बन कीना। जब प्रताप रवि भयो नृप फिरी दोहाई देश प्रजापाल अति वेद विधि कतहु नहीं अघले। नृपहितकारक सचिव सयाना नाम धर्म रुचि शुक्र समाना सचिव सयान बंधु बलबीरा आप प्रताप पुंजरन धीरा। सेन संग चतुरंग अपारा अमित सुभट सब समर जुझार सेन बिलोक राव हर्षाना अरुबाजे गह गहे निशाना विजय हेतु कट कई बनाई सुदिन साधु नृप चले बजाई जहाँ तहाँ परी अनेक लड़ाई जीते सकल भूप बरियाई। सप्तदीप भुज बल बस कीने ले ले दंड छाड़ी नृप दीने सकल अवनि मंडल तेहि काला एक प्रताप भानु महि पाला।